बहुत मतलब कम आते, बट इस फिल्म के लिए ऑलमोस्ट हमें हम लास्ट जब बॉम्बे ट्रेलर हमारा लॉन्च हुआ है इस फिल्म का, तो तब से हम निकले हुए मुझे लगता है ऑलमोस्ट 20-22 दिन हो चुके हैं। हम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, कनाडा सब टूर निकाल के यहाँ पे आए हैं। कल ही हम लैंड हुए हैं, तो आज हम दिल्ली से फिनिश करके जाएंगे। कल सचखंड तक श्री हजूर साहब हम कल जा रहे हैं, वहाँ पे अरदास करवाने, तो बाकी उसके बाद पंजाब में, उसके बाद स्क्रीनिंग करने के लिए। मुझे याद है कि पहले एक दो बार मैं यहाँ से निकला तो मुझे बोला कि आप दिल्ली में स्क्रीनिंग नहीं करते फिल्म की, तो इस बार हम इस फिल्म की स्क्रीनिंग दिल्ली में रख रहे हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल रखेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बैठ के देखिए फिल्म और बताइए हमें कैसी लगी, क्योंकि जो इंस्टेंट फीडबैक है, मैं हर फिल्म के लिए नहीं कहता, बट कुछ फिल्में ऐसी हैं जैसे आप लोग हमें बोल देते हो कई बार कि यार पंजाबी सिनेमा, तो पंजाबी सिनेमा मतलब कॉमेडी मूवीज, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पंजाबी सिनेमा में और फिल्में भी बनती हैं, बट क्या है कि जब आप बॉक्स ऑफिस देखते हो ना, जब आप गूगल सर्च मारते हो, तो जो पहली 4-5 फिल्में हैं वो कॉमेडी है, ठीक है। आप मेरे को जानते हो, जो मुझे कम जानते हैं वो सिर्फ एक ही फिल्म जानते हैं कि कह रही हो जटा, ठीक है, तो वो क्या है कि वो कॉमेडी है, तो उसकी वजह से लगता है कि ऐसा है। अदरवाइज तो जब हमने 2016 में ये फिल्म बनाई थी, तो ये फिल्म तब भी हिट थी। तो देखिए जर्नी तो क्योंकि कमाल की जर्नी है ये, क्योंकि कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो आर्टिस्टों की भी लाइफ चेंज कर देती हैं। सो ये फिल्म हमारी लाइफ में ऐसी आई थी, तो मैं अगर अपना लाइफ स्टाइल की बात करूँ तो मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आई ये फिल्म। पेशेंस मेरी लाइफ में बिल्कुल नहीं थी, इसको ठहराव बोलते हैं, तो मैं बहुत मतलब इस फिल्म से मेरी लाइफ में बहुत पेशेंस आई है। मुझे लगता है कि मैं बहुत जिंदगी को जीने लगा हूँ, पहले ऐसा नहीं था मेरी लाइफ में, है ना, तो वो शायद इस फिल्म से आया है। बाकी मैं जब फिल्म बनाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब लिखता हूँ तो मेरी फिल्म में एक भी गाना नहीं होता, जब लिखी जाती है तो ऐसे लगता होता है कि ये फिल्म में गाना कहाँ डलेगा, इसमें गाने का स्कोप नहीं है, क्योंकि मेरे जो गाने होते हैं वो सारा पार्ट ऑफ स्क्रीन प्ले है। तो मैं कई सीन्स अपने, मुझे लगता है कि यार ये सीन ना मेरा लेंथी सीन है कि इसमें डायलॉग्स की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इमोशन से इसको खेल सकता हूँ। तो फिर मैं वो 2-3 जहाँ मेरे बैक टू बैक सीन होते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं गाने से ये बात कह दूँ तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। किसी की हैप्पीनेस है तो मैं वो गाने से बोल दूँ, मेरे किरदार अपने इमोशंस दिखाएं, अपने एक्सप्रेशन दिखाएं, उसी में वो चीज़ चले जाएगी। तो ऐसे ही ये गाने हैं, और गाने ऐसे नहीं है कि गाना कई बार होता है कि पूरा गाना आ रहा है, कई बार क्या होता है कि सिर्फ 4 लाइन आई, फिर मेरे 4 सीन आए, फिर उसके बाद 2 लाइन आई, तो वो मेरे गाने का एक पार्ट है। तो ऐसे ही गाने हैं। बाकी हमेशा म्यूजिक इस फिल्म का बहुत अहम हिस्सा रहा है, बैकबोन रहा है। पहले दोनों फिल्मों का म्यूजिक बहुत हिट रहा है, और इस बार भी सब बड़े बड़े आर्टिस्टों के गाने, नक्षत्र पाजी का गाना सुना, मैंने गाने गाए हैं, राहत फतेह अली खान साहब का गाना है, सुखविंदर पाजी का गाना है, सो बहुत से लोगों के जॉर्डन संधू है, काफ़ी आर्टिस्ट हैं जिनके गाने हैं जी। आपको सालों तक मोहब्बत देती हैं लोगों से, आपको दुआएं देती हैं ये चीज़ें, और हम वो चीज़ अभी फील कर रहे हैं। मेरे लिए ये करना बहुत टफ है, क्योंकि कॉमेडी में आप ओवर द टॉप चले गए, वापस आ गए, कई बार नीचे भी चले गए, फिर आप उठ गए दोबारा, दो पंच अच्छे आ गए, लेकिन इसमें जो बैलेंस बना के रखना पड़ता है ना, वो जो बाजी का रस्सी पे चलता है वो वाला बैलेंस होता है, कि अगर आप थोड़ा अंडर रहेंगे तो आपकी बात किसी को कन्विंसिंग नहीं लगेगी, ओवर द टॉप चलेंगे तो वो प्रीचिंग लगेगी, ये प्रीचिंग भी नहीं लगनी चाहिए, कच्ची भी नहीं लगनी चाहिए, ये जो इसमें हम दिखाते हैं वो एक सही रास्ते पे चल के वो परफॉर्म किया जाए तो ही लोगों पर असर करता है। मेरे लिए ये ज्यादा टफ है, लेकिन मुझे मजा इसमें बहुत आ रहा है। एज ए कॉमेडियन काम बहुत किया, मैं चाहता हूँ कि अब मैं पंजाबी सिनेमा के लिए स्पेशली, क्योंकि आई एम डेडिकेटेड टू पंजाबी सिनेमा, पंजाबी सिनेमा इज इन अदर वे से इंडियन सिनेमा है ना, तो ये अलग अलग रंग है इंडियन सिनेमा के, तो मुझे लगता है कि अभी और कॉमेडियंस हमारे आ चुके हैं पंजाबी में जो अच्छा काम कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ ज्यादा काम करना है। थैंक यू। पार कर गए, तो मुझे लगता है कि अगर एक ऐसी फिल्म बड़ा सिक्सर मारे बॉक्स ऑफिस पे,
तो बहुत सी ऐसी फिल्में बनने लग जाएंगी जिसकी मुझे लगता है कि जरूरत भी है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि मैं खुद प्रोड्यूसर हूँ, मैं खुद एक्टर हूँ, कई बार हम रिस्क ले लेते हैं कि कोई बात नहीं यार, हम फिल्म बनाएंगे, अगर नहीं भी चलेगी तो क्या आप कितना लॉस हो जाएगा। बट जो एक बाहर से अलग से प्रोड्यूसर आता है वो नहीं लेता, उसको लगता है कि नहीं यार मैंने पैसे लगाने हैं, मेरा मैं पक्का फॉर्मेट बनाऊँ, क्या सबसे ज़्यादा चलता है कॉमेडी चलती है, तो वो फिर वही फिल्में बनाता है। तो मुझे लगता है कि पूरी हमारी इंडस्ट्री को भी, लोगों को भी, सबको ऐसी फिल्मों की ज़रूरत है। तो आप लोग सपोर्ट करिए इस बार, डट के और आप फिल्म देखिए। मैं ये नहीं कहता कि फिल्म बुरी लगे तो आप लिखोगे बहुत अच्छी फिल्म है, मतलब फिल्म आपको अच्छी लगे तो बहुत अच्छा लगेगी, है ना, क्योंकि फिल्म अच्छी लगे तो पहले ज़रूरी है, अगर फिल्म ही नहीं अच्छी लगी फिर तो मत लिखना, फिर तो जो आपने लिखना है नो प्रॉब्लम। थैंक यू।